चलिए अब सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइसोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियसली करवाए थे, अब उसी में प्रोसीड करते हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अभी देखिए, इस क्वेश्चंस पे मैंने मेजरमेंट्स नहीं लिए, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बना के रखे मैंने। क्वेश्चन नंबर टू ये है आपका लिए, आपके लिए मैंने बना के रखा है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके, इसमें मैंने मेजरमेंट नहीं लिए, मेजर आपको क्वेश्चन पेपर में मेजरमेंट्स के साथ में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बॉक्स मेथड है ना, प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन में बताया था बॉक्स मेथड बनाना है आप लोगों को। तो सबसे पहले अभी देखिए, ये ऑलरेडी एक बॉक्स में बना हुआ है ना। तो आपको यहां से इसकी लेंथ मिल जाएगी, यहां से यहां तक की। मान लीजिए ये मैंने 75 लिया हुआ है, यहां से यहां तक की इसकी लेंथ मैंने 75 ली हुई है, ठीक है। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये जो है हमारा एक हल्की सी पेंसिल से एकदम हल्का बनाते हुए, इसमें दो कोने तो हमको मिल रहे थे, दो कोने हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स को हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेम बनाने का तरीका मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अभी मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान दीजिए सभी आप लोग, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हम ले लेते हैं। सबसे पहले ये 75 ले लेते हैं, इसको हम 12 mm ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको 22 ले लेते हैं, ये 15 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की गैप को हम 11 ले लेते हैं, ओके। यहां से यहां तक के मेजरमेंट्स को, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 434 में आपको ये क्वेश्चन गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। ये टोटल लंबाई हम इसको ले लेते हैं 38, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहां से यहां तक की गैप 8 है, ओके। यहां से यहां तक 11 दिया हुआ है। देखिए मैं रेंडमली कर रही हूँ, आप थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करेंगे। ये 8 है, ये भी गैप जो है आपका 8 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 22 है, यहाँ से यहाँ तक 16 दिया हुआ है, फिर ये भी आपको 16 है, और ये डिस्टेंस आपकी 11 mm है, ओके। सारे के सारे यूनिट्स 11 में हैं। अब यहाँ से हम मेजर करेंगे, मेजर करके हम बॉक्स मेथड का फिर से इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियसली क्लास में बताया था। ये मैंने बॉक्स बनाया था आपका, सेम ऐसे ही बॉक्स हम यहाँ पर भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा बेस पॉइंट बन गया। बेस से हमको सबसे पहले मैंने बोला एक्स वाई जेड एक्सिस हमको लेनी है। तो ये एक खड़ी वाली लाइन, ओके, ये एक एक्सिस देगी हमको, एक ये एक्सेस होगा और एक ये एक्सेस होगा। तो जो खड़ी वाली लाइन है इसको मैं सीधे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देती हूँ। इसकी 12 mm डिस्टेंस है, 12 mm हम नापते हुए, ये हो गया मेरा 12 mm, बीचों बीच मैंने ले लिया, ये हो गया 12 mm की लाइन, ओके। अब यहां से मुझे 30 degree इस तरफ मार्क करनी है। मेरे पास मैंने बताया आपको, मेरे पास प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं रेंडमली यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 30 degree इस तरफ और 30 degree इस तरफ, ठीक है। अब यहां से ये छोटी वाली साइड जो है टोटल, अब देखिए इसकी मेजरमेंट लेनी है मुझे कि ये एक टोटल लंबाई कितनी होगी। तो ये 11 है तो ऑब्वियसली ये भी 11 होगा, तो 11 + 11 यानी हो गया 22 + 16 करना है आप लोगों को, तो टोटल हो जाता है आपका 38। तो यहां से आप 38 mm ले लीजिए, 5, 6, 7, 8, यहां से आप 38 mm की दूरी लेते हुए इतना आपको डार्क कर लीजिए यू इस तरह से, ठीक है। यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितनी है आपकी, 75 ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से 75 ले लीजिए। मेरा बियॉन्ड द शीट जा रहा है, आप इसको 75 पूरे मेजर कर लीजिए, मुझे मैं लास्ट तक ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ 75 तक जाएगा ही, ओके। अब मैंने जैसे बताया रोलर स्केल को लेंगे हम, यहां से इसको पैरेलल करेंगे और 12 mm पे फिर इसको बना लेंगे। ये हो गया 12 mm पर, फिर यहां से पैरेलल रोलर स्केल को सेट करेंगे और दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। ये हो गया, यहां से 12 mm पर एक लाइन ले लेंगे,
इस तरह से अब इसके पैरेलल सेट करेंगे। देखिए मैं इसी स्केल से ही पैरेलल सेट कर रही हूँ, आपके पास तो रोलर स्केल है, रोलर स्केल का पूरा इस्तेमाल करिए आप लोग। ये हो गया बॉक्स का एक साइड। अब नेक्स्ट साइड बनाने के लिए हमको क्या करना है, सेम ये लंबाई जो है जितनी है 75 mm की, यहां पर भी मैं ले लूंगी। पैरेललिज्म मेंटेन करना है, देखें देखिए यहाँ पर मैंने सेट किया बिना डिस्टर्ब किए, यहाँ पर आई, ओके ये हो गई, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने इस तरह से, ओके फिर यहाँ से मुझे पैरेलल लेना है, यहाँ से पैरेलल लेते हुए मेरी जितनी भी लंबाई थी उन दोनों पॉइंट्स को लेकर के ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पर ये 12 mm का, यहाँ से आप नीचे 12 mm ड्रॉप कर लीजिए, फिर से पैरेलल इस लाइन के पैरेलल, ठीक है हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस बनेगा, ये डैश डैश बनेगा आपको पता है, 12 mm यहाँ तक, फिर इन इस कोने से इस कोने को जोड़ दीजिए, ये डैश डैश बनेगा, फिर यहाँ से ये बनेगा, ओके ये हमारा बेस फ्रेम बन गया। अब ऊपर वाला पार्ट हम बाद में बना लें, सबसे पहले हम बेस स्टार्ट कर देंगे, तो यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, है ना। ये बेस बना लिया हमने, अब इसको डार्क करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कैसे करेंगे, ये वाला जो 16 mm वाला है ये इसमें आया है ना, यहां से 11 डिस्टेंस, यानी मुझे यहां पर सबसे पहले यहां से यहां तक की 11 डिस्टेंस मेजर करनी है, 11 मतलब ये यहां पर कहीं पर आ रहा है, ठीक है, फिर यहां से मैं इस तरफ 11 मार्क कर लूंगी, यहां पर कहीं पर आ, यानी यहां से यहां तक की जो पार्ट है ये मुझे एकदम डार्क करनी है। ये हो गया मेरा 16, यहां से 11, यहां से 11, ये 11 लिया, ये 11 लिया, ये वाला पार्ट बन गया मेरा 16, ठीक है। अब नेक्स्ट इस तरफ लेना है, इस तरफ के लिए मुझे ये मेजरमेंट है, यहां पर 11 दिया हुआ है, यहां से मैं इस तरफ 11 मेजर करूंगी, 11 यहां पर आ रहा है, ठीक है, और वैसे ही यहां पर भी मैं यहां से मेजर कर लूंगी, यहां पर कहीं पर 11 आ रहा है यहां पर, ठीक। इसको बना लेते हैं हम डार्क करते हुए इस तरह से, और ये हो गया ऊपर का पार्ट, ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा वैसा ही जाएगा, है ना। अब इसके बाद मुझे ये इंटरनल पार्ट्स कैसे बनाने हैं आपको ये बात ध्यान देनी है, इंटरनल पार्ट्स अभी अच्छा चलिए ठीक है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे 12 mm है, इसको भी पहले पर कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से पैरेलल लेते हुए, देखिए जितनी भी वर्टिकल लाइन बनेंगी वो हमारे इस एक्सिस को, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, इस तरफ की जो भी लाइन रहेंगी आप इसको ले लीजिए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, इसको ले लीजिए आप वाई एक्सिस, इस तरफ की जितनी भी लाइन बनेंगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनानी है आपको, तो ये हो गई। और फिर यहां से मैं पैरेलल सेट करते हुए ये बना लिया हमने, कंप्लीट कर लिया इसको, और इसको फिर यहां से भी पैरेलल इस तरह से, यहां पर तो ऑलरेडी है, इनको आपस में आप जोड़ दीजिए, ठीक है, यहां से इसको डार्क करिए, ये मेरा बेस बन गया, ओके यहां से ये भी डार्क हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट पीछे कुछ भी कटा फटा नहीं है ना, यहाँ के दो कोने गायब थे तो ये एक कोना मैंने गायब कर दिया, पीछे पूरा है तो वैसे ही। अब मेन ऑब्जेक्ट को आते हैं, यहां पर जो बीच में ये डैश लाइन है इसका मतलब ये वाला पार्ट होल है ना, यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप का होल है और ये रेक्टेंगल शेप ऊपर उभरा हुआ था, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हमको डिस्टेंस दी हुई है, यहां से 11 mm, यानी ये वाली जो लाइन है यहां से 11, यानी इस वाली लाइन से 11, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां से पैरेलल लेंगे, पैरेलल लेते हुए इसको मार्क करेंगे कि 11 कहां आ रहा है, यहां पर कहीं पर आ रहा है, तो इस तरफ से भी 11 होगा, यहां पर भी इसको मार्क कर लेते हैं, यहां पर कहीं पर 11 आ रहा है, फिर यहां से डिस्टेंस लेंगे अपन, ओके ये 11, ये ऑलरेडी हम लोगों ने 11 मेजर किया हुआ है, यहाँ 22 है, ये चौड़ाई 22 की है, ठीक है, यानी यहां से 11 लेने के बाद यहां से यहां तक आपको 22 बनाना है,
ओके तो यहाँ मैंने 11 ले लिया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहीं 11 लिया हुआ है, अब यहाँ से मुझे 22 बनाना है टोटल लंबाई। 22 मतलब यहाँ पे 11 लिया, इस तरफ 11, इस तरफ 11, तो 11 लॉन 22। ओके तो बनाते समय मुझे ये लाइन के पैरेलल चलना है। फिर इसके पैरेलल लेंगे हम। मेजरमेंट आप इसमें से डायरेक्ट ले सकते हैं, ये 16 है, ये 22 है ना। फिर इसके बाद हमको ये बड़ा वाला बॉक्स बनाना है, दोनों के बीच में गैप कितना है 8 का, तो 8 का गैप लेना है हमको। यहां से हम मेजर कर लेंगे 8 कितना जा रहा है, ये 5 6 7 8, इसी के अलावा मेजर करना है हमको। यहाँ पर कहीं करा था, तो यानी मेरा बॉक्स यहाँ से बनना शुरू होगा। ओके और फिर इसको भी पैरेलल बनाना है हमको। इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, देखिए 22 इसकी चौड़ाई दी है और हाइट इसकी 15 दी हुई है। तो सबसे पहले मैं 22 यानी इसकी लंबाई कुछ इस तरह से 22, सॉरी 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 मैंने पैरेलल सेट नहीं किया, इससे गड़बड़ हो गया। ये चौड़ाई इसकी कुछ इस तरह से 22 है, यहाँ से यहाँ तक की गैप भी इसकी 22 ही है, तो यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर लीजिए। पैरेललिज्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर पैरेलल नहीं होगी लाइंस, देखिए मैडम भी पैरेलल ही बना रही है ना, आपको भी पैरेलल ही लेके चलना है। अब मुझे ये ऊपर उठाना है कितना 15 mm, तो ये वाली जो लाइन मैंने बनाई थी इसी से पैरेलल में लूंगी डायरेक्टली, कितना 15, आप 15 मेजर करते जाएंगे, हर तरफ से 15 वर्टिकल लाइन ले लेंगे। इनको आपस में जोड़ दीजिए, ये देखिए ये हो गया आपका 3D व्यू, ये होल है, तो इसको हमको नीचे प्रोजेक्ट करके यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से ये पैरेलल है, यहां से इसके पैरेलल है, इस तरह से। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का 3D व्यू। तो जो फ्रेमवर्क है यहाँ पर मैंने आप ही की तरह पेंसिल इस्तेमाल की है, मेरे पास H और 2H पेंसिल नहीं, इसलिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट डार्क नजर आ रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि मैम क्यों मना करती है कि H और 2H पेंसिल आपको यूज करने, HB नहीं यूज करना, क्योंकि HB से ना चाहते हुए भी जो हमारा प्रोजेक्शन लाइन है, जैसे ये जो फ्रेम मैंने पहले बनाया था बॉक्स, वो डार्क हो गया है ना, और ऑब्जेक्ट भी मैंने डार्क बनाया है ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियो में दिख पाए, आप देख सके। इसीलिए तो जब आप H और 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप फ्रेमवर्क बनाएंगे तो आप एकदम लाइट पेंसिल से हल्के हाथों से बनाइए, ताकि जब आप इसको गड़ा करके बनाना शुरू करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है उभर करके सामने आएगा, और मेजरमेंट्स आपको वही लेने हैं जो एक्चुअल मेजरमेंट्स दिए हैं, इसलिए इसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां से डायरेक्टली आपको मेजर करना है और बनाना है बॉक्स मेथड की मदद से। थैंक यू वेरी मच, ये क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।